दोस्तों 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां थी जिन्होंने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये अभिनेत्रियां अचानक बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी शेषाद्री 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपने अदाकारी और खूबसूरती के बल पर खूब नाम कमाया, लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अपने दौर की खूबसूरत दिखने वाली मीनाक्षी को आज आप देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। आखिर क्यों ये अचानक बॉलीवुड की दुनिया से दूर हो गई और कैसी है आज इनकी हालत, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मीनाक्षी के शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मिस इंडिया का खिताब जीतने के 3 साल बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। उनकी पहली फिल्म पेंटर बाबू थी। मीनाक्षी को सभी ने फिल्म हीरो से नोटिस किया। ये फिल्म टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जैकी श्रॉफ थे। इसके अलावा मीनाक्षी ने दामिनी फिल्म से सभी को अपनी एक्टिंग का कायल बना दिया। इन्होंने अपने करियर में मेरी जंग, घायल, घातक, शहंशाह, घर हो तो ऐसा और तूफान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड पर राज करने के बाद मीनाक्षी ने साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली। मीनाक्षी ने शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कहकर अमेरिका के प्लानो टेक्सास में जाकर बस गई। दोनों ने न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज की। आज मीनाक्षी की 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। मीनाक्षी को एक्टिंग के अलावा डांस का भी बहुत शौक था। तभी तो उन्होंने भले ही फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन डांस से खुद को जोड़े रखा। टेक्सास में मीनाक्षी अपना डांस स्कूल चेरिश डांस स्कूल चलाती हैं। साल 2008 में मीनाक्षी ने अपना ये डांस स्कूल खोला था और चंद सालों में ये एक नामी स्कूल बन गया। यहाँ बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोग डांस सीखने आते हैं। मीनाक्षी भरतनाट्यम से लेकर कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे डांस बच्चों को सिखा रही है। आज वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। पहली नजर में उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं पाता कि ये वही दामिनी है जिन्होंने एक वक्त सबका दिल चुरा लिया था। दोस्तों, आपको मीनाक्षी की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।